हेलो किसान भाइयों, मैं हूँ सुनील डूडी और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास स्वराज 744 XT ट्रैक्टर है और वो एवरेज कम दे रहा है तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है। इसमें एक तो यहाँ टी के अंदर फिल्टर होता है, ठीक है, तो उसको यहाँ से इस टी को खोल करें और उस फिल्टर को अच्छी तरह से साफ़ कर लो, ठीक है, और उसके बाद में इन दोनों फिल्टर को चेंज कर लो, ठीक है। तो उसके बाद में भी अगर कोई दिक्कत आती है तो ये यहाँ पे एक फिल्टर होता है, इस नट को आप यूज़ कर लो और फिर आपको दिखाता हूँ मैं। इसके अंदर ये फिल्टर होता है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये चोक है अभी, ये देखो, तो आप इसको साफ़ कर लो, ठीक है, अच्छी तरह से साफ़ करके आप देख लो, ठीक है। अगर फिर भी ये एवरेज कम देता है तो उसके बाद में आप बढ़िया से बढ़िया मिस्त्री के पास ले जाओ और उसके पास ये इस पंप की सेटिंग करवा लो, ठीक है, और इसके अंदर जो कैविटी होती है उसकी सेटिंग करवा लो, ठीक है। वो मिस्त्री कर देगा, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, ठीक है, सस्ता ही काम है, ज़्यादा कुछ नहीं है, और बढ़िया मिस्त्री से दिखवाओ, ठीक है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। वैसे मत सोचना कि खुलवाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता है खुलवाने से, ठीक है। तो उसके बाद में आपका यही ट्रैक्टर बहुत बढ़िया एवरेज देगा, जैसे रोटावेटर में अभी अगर ये 1 घंटे का 4 या 5 लीटर तेल पीता है तो उसके बाद में 2.5 की एवरेज देगा। यह ट्रैक्टर भी पहले एवरेज बहुत कम देता था, ठीक है, जान तो बहुत लगाता है, अभी भी लगाता है, लेकिन एवरेज बहुत ही कम देता था, ठीक है। पहले 1 घंटे में ये रोटावेटर में 4 साढ़े 4 5 तक पहुँच जाता था, ठीक है। अब यही ट्रैक्टर 2.5 लीटर या 3 से कम कम में ही रह जाता है। आप ये चीज़ें करवा लो, उसके बाद में आपका ट्रैक्टर एवरेज बहुत ही बढ़िया देगा, 744 XT। और भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाइयों। आगे भी आपको इसी तरह की जानकारी देता रहूँगा मैं। धन्यवाद।